दाल की दुल्हन। अब ये नाम अगर मैं किसी को कहूँ कि एक डिश का है जो एक क्लासिक बिहारी डिश है, दाल से बनती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? भाई दाल की दुल्हन, ऐसी क्या बात है। तो दाल की दुल्हन जो है उसके पीछे का राज मैं आज आपको बताऊंगा, प्लस इसको हम दाल पिट्ठी भी कहते हैं, और ये इसका जो टेस्ट है दैट इज सुपर्ब। एट द सेम टाइम ये दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, और ये डिश एक कंप्लीट मील है, मतलब इसके साथ आपको अलग से चावल या रोटी परोसने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं दाल की दुल्हन उर्फ बिहारी दाल पिट्ठी। अब दाल की दुल्हन के दो मेन हिस्से हैं, एक है दाल और दूसरा है दुल्हन। अब ये दुल्हन का क्या राज है थोड़ी देर में आपको बताता हूं। शुरू करते हैं दाल पकाने से। ये है टाटा संपन्न अनपॉलिश्ड तूर दाल। एज यू कैन क्लियरली सी दीज ग्रेन्स आर विदाउट एनी आर्टिफिशियल शाइन, एंड आई प्रेफर अनपॉलिश्ड दाल ओवर पॉलिश दाल बिकॉज दे आर जस्ट द वे नेचर इंटेंडेड। ब्यूटिफुल। अब इस दाल को हमें सोक करना है। हल्के हाथ से इसे मलना है। लेट्स ड्रेन द वॉटर। देयर यू गो, फैंटास्टिक। और अब इस दाल को अब हमें कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो कर रखना है। ये देखिए, भीगने के बाद दाल ऑलमोस्ट डबल हो गई है, खुल गई है, ये तैयार है। अब इसी पानी समेत ये जाएगी प्रेशर कुकर के अंदर। इसमें जाएगा नमक, इसमें अब हम डालेंगे हल्दी, नॉट जस्ट एनी हल्दी, टाटा संपन्न हल्दी विथ नेचुरल ऑयल्स। अब ये देखिए हल्दी का रंग जरा देखिए, नाइस एंड ब्राइट। और टाटा संपन्न स्पाइसेस की खासियत है कि देयर नेचुरल ऑयल्स आर केप्ट इंटैक्ट। नाउ गैस ऑन। अब दाल को देना है एक सीटी, उसके बाद हल्का करने के बाद 5 मिनट और इसे पकाना है, दाल कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। जब तक दाल तैयार होती है चलते हैं दुल्हन की तरफ। दुल्हन को इंतजार नहीं कराना चाहिए। अब देखिए दाल की दुल्हन के अंदर दुल्हन का क्या माजरा है। देखिए दुल्हन क्या है, हमारा आटा और उसके अंदर थोड़ा सा नमक, साथ ही जरा सा पानी। अब इसको एक सॉफ्ट डो हमें गूंदना है, इसको हम बेलेंगे, बेलने के बाद गोल आकार काटने के बाद बढ़िया सी सुंदर शेप देने के बाद इस कच्चे डो को दाल के अंदर हम पकाएंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इटालियंस पास्ता बनाते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसी डिश है जो एक इंडियन पास्ता है। अब इस दुल्हन या पिट्ठी के लिए हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, जिस तरीके से फुलके का डो हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंदना है। अच्छे से गूंद लिया। अब हल्का सा हाथ घी का, घी से थोड़ी सी खुशबू इसकी जो है बढ़िया हो जाएगी, डो भी सॉफ्ट बनेगा और ये डो तैयार। इसे देना 10 मिनट का रेस्ट, उसके बाद इसको हम बेल कर पकाएंगे। डो को रेस्ट मिल गया और अच्छे से सूखा आटा इसके ऊपर डालने के बाद अच्छे से इसे हम हाथ से फैला लेंगे, स्पेशली दी एजेस। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं देनी बेलते वक्त, लेकिन मेक श्योर जब इसको हम बेलें पतला बेलना है, जैसे फुलका बेलते हैं उतना पतला, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए हमें। अब कटर की मदद से या फिर किसी भी कटोरी या गिलास से आप इसे यूं गोलाकार में काट सकते हैं। फिर क्या करना है, जरा सा पानी लेना है और इसकी एजेस को हल्के पानी से टच करना है। पहला फोल्ड हल्का सा प्रेस करना है यूं, और फिर हल्का सा यूं प्रेस करके ये बन गई दुल्हन। और ये जो प्लीट्स देख रहे हैं आप इसके ऊपर, ये जो दुल्हन का जो वेल होता है या जो उसका पल्लू या उसका जो घूंघट होता है वो जब गिरता है तो इस तरीके से प्लीट्स बनती हैं, ये बिल्कुल उसी को रिसेंबल करता है। है अब किसी का शायराना अंदाज। बन गई दाल की दुल्हन। एक और यूं गोल काटा, हल्का सा जरा सा पानी ऑन द एजेस, पहले यूं हाफ बूम, तीसरी साइड सेंटर में आई और फिर यूं चौथी साइड भी सेंटर में आ गई, बढ़िया प्लीट्स बन गई। ये दाल की पिट्ठी या दुल्हन। दुल्हन तैयार है,
दूल्हा भी तैयार है, मतलब दाल भी तैयार है ऑलमोस्ट। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से दाल पकी है, बढ़िया रंग और अच्छे से मैश भी हो गई है, फैंटास्टिक। अब क्या करना है जी, दाल को हम ट्रांसफर करेंगे एक फ्रेश कढ़ाई में। ये गई जी दाल, इस दाल को रखेंगे इस तरफ और बनाएंगे दाल का तड़का। अब दाल को तड़का मारने के लिए आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दाल की दुल्हन का ना अपना अपना अलग टेस्ट होता है हर एक का, मतलब अगर आपका मन है कि सिंपल साधारण सादा सा खाना तो इस दाल के अंदर आप सिर्फ तेल और जीरे का छोंक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन है स्पाइसी कुछ खाने का तो उसके अंदर प्याज टमाटर अदरक लहसुन का तड़का भी जा सकता है। घी गर्म हो गया, इसमें हम छोंकेंगे थोड़ी सी हींग, सूखी लाल मिर्च, इसमें जाएगी सरसों, जस्ट टिल्ट इट ताकि जो सरसों हैं जल्दी से क्रैकल हो, सरसों फूट रही है। इसी दौरान इसमें जाएगा जीरा, हरी मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, लहसुन और अदरक। ये मस्त वाला तड़का बन रहा है इसका, और अब इसे पकाना है जब तक कि लहसुन जो है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। इसमें जाएगा प्याज, हाई हीट पे प्याज को करेंगे टॉस। अब कई लोग ऐसे हैं जो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, अगर आपको वो अवॉइड करना है अवॉइड कर सकते हैं। इसमें जाएगी हल्दी, ये है लाल मिर्च का पाउडर, गिव इट अ क्विक स्टर। इस वक्त हल्दी और मिर्च जल सकती है इसलिए क्विक स्टर, एंड इसमें जाएंगे टमाटर, फैंटास्टिक, थोड़ा सा नमक। तड़के को अच्छे से पका लीजिए, भून लीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो बाहर को उभर आए। तड़का हमारा तैयार है, ये जाएगा सीधा दाल के ऊपर। अब लेंगे थोड़ी सी दाल, उसको छोंक कर दोबारा इसके ऊपर, गिव इट अ नाइस स्टर। और अब दाल को हमें पकाना है, एट द सेम टाइम इसी के साथ अब पिट्ठी भी पकेगी, लेकिन पिट्ठी पकाने के लिए दाल को हमें काफी पतला करना है। सो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और ये देखिए बिल्कुल पतली दाल है, इसके अंदर हम डालेंगे पिट्ठी, जस्ट ड्रॉप इट। ढोकली डालने के बाद इसे एक हल्का स्टर देना है, दैट्स इट। और अब क्या होगा, एक क्विक बॉईल देना है, उसके बाद आंच को हल्का करना है, कवर करके 3 से 4 मिनट इसे पकाना है, या जब तक कि आटा अंदर तक पूरी तरीके से पक ना जाए। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आटे को जब आप पतला बेलेंगे पकने के बाद वो उसकी डबल हो जाएगी, इसलिए पहले अगर मोटा होगा तो बाद में बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा मोटी दुल्हन बनेगी, मतलब मोटी दुल्हन नहीं ढो मोटा हो जाएगा। एंड जस्ट लाइक पास्ता, जब वो पिट्ठी पक जाती है वो ऊपर को फ्लोट करेगी, तो वो एक और इंडिकेशन है कि पिट्ठी तैयार है। एंड जस्ट इन केस आपको संकोच है कि शायद ये थोड़ी सी कच्ची है, 2-4 मिनट आप उसे और पका सकते हैं। काश आप भी इस सुहानी महक का लुफ्त उठा पाते। आई प्रेफर टाटा संपन्न अनपॉलिश तूर दाल विद नो आर्टिफिशियल शाइन, जस्ट द वे नेचर इंटेंडेड। खूबसूरत दिख रही है ये दाल की दुल्हन, और टाटा संपन्न हल्दी से क्या बढ़िया निखार आया है, लुक एट दिस रिच ब्राइट कलर। आई प्रेफर टाटा संपन्न स्पाइसेस बिकॉज दे हैव नेचुरल ऑयल्स इंटैक्ट, जस्ट द वे नेचर इंटेंडेड। आप टाटा संपन्न प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं अपने पास की किराना शॉप से या फिर ऑनलाइन। दाल की दुल्हन तैयार है, चलिए इसे प्लेट करते हैं।